ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तो समझ गए, अपने जज्बातों को हमेशा काबू में रखा करो, नहीं तो कभी मतलब लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा साइड आ गया था, और भाई फैक्ट्री पे दो स्क्वाड ऑलरेडी लैंड कर चुकी थी। अब मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं अपना रिकॉर्डर चालू कर रहा था, तो जो है वो सो है, छोड़ो उसको। तो भाई अपने पास टाइम है तो अपना शॉर्ट आउट फीचर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद से इन बंदों पर रस करेंगे। यार भाग थोड़ी जाएंगे यार, डरपोक थोड़ी है, भाग थोड़ी जाएंगे, लड़ेंगे इनसे, जितने बचेंगे उनसे लड़ेंगे। तो यार हमारे वीडियो के टॉप फाइव में, मतलब पिछली वीडियो के टॉप फाइव में जिन्होंने कमेंट किया था उनको शॉर्ट आउट देते हैं। तो यार हमारा सबसे पहला शॉर्ट आउट जाता है रस गेमर को, दूसरा जाता है हंसला खान को, तीसरा शॉर्ट आउट जाता है पांडू वाइटी को, चौथा शॉर्ट आउट जाता है उमर द बॉस को, और पाँचवा और आखिरी शॉर्ट आउट जाता है राकेश नूर को। तो यार हो गई बहुत बातें, एंड बातें तो नहीं मतलब ये अपना काम है यार। तो ये हो गई सब खत्म, अब भाई चलते हैं अपना लूटपाट करते हैं और बंदूक रस करते हैं। तो एंजॉय करना यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड साइड में जो बेल आइकन उसको दबा देना। तो यार यहाँ से लूट के मैं जाओ फैक्ट्री जा रहा था भाई, मतलब एक गंदा बहुत ज़्यादा तगड़ा स्प्रे आता है, और देखो यार मतलब हाफ एचपी तो ये बंदा खा जाता है। तो ये बंदा मुझे दिख गया था जो लेट से फायर कर रहा था, अब इसको मतलब देखो आप खुद देख लो। अब ये बंदा नौकरी था, और एक और बंदा जो साइड से फायर कर रहा था भाई, वो मतलब ये रेड वाले घर के थोड़ा साइड में था, तो उसको भी यार नॉक करेंगे, भेजेंगे सबको एक एक सबको और अभी भेजेंगे, तो टेंशन मत लो। अगर इसको नॉक करने के बाद मुझे दूसरा बंदा भी दिख गया था जो कि ये रेड वाले घर के साइड में रहता है, तो उसको भी नॉक करता हूँ, यानी दो बंदे में नॉक करता हूँ भाई। जो तीसरा बंदा मतलब जो डैमेज देता ना यार, मतलब अपना काम यहीं पर तमाम था, मतलब अपनी पेटी ले जाने वाले डांसर आ भी रहे थे, पर डेथ डांसर। पर मैं यहाँ पर तो बच जाता हूँ, आप खुद देख लो। अब यार यहाँ मतलब एक दो एच पी बची थी, अब यार बंदे से फाइट तो ले नहीं सकते थे कि भाई मतलब एक गोली में ख़त्म कर देगा हमें। तो यहाँ से हम सोचते भाई निकलते हैं यहाँ से, स्मोक और नेडो करते हैं, शायद बंदा ठीक जाए, पर वो बच जाता है क्योंकि वो शायद अपने बंदे के जाए नहीं जाता है। पर मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, और मेरे पास हील के लिए कुछ नहीं था, बैंडेजेस थे, तो यहाँ पे पहले यूज़ करता हूँ, उसके बाद से फिर देखेंगे, इनको भी देखेंगे, एक एक सबको देखेंगे। तो देखो यार जो भी है देखो, मज़ा आएगा। मेरे घर में तीन बंदे थे जो कि एक भाग जाता, पता नहीं कहाँ भाग जाता है, जो भी है भाग जाता है वो छोड़ो। तो मैं सो भाई बंदे आ नहीं रहे थे, तो मैं सो तो भाई इनका वेट कर लेते क्योंकि जोन जब आएगा तो ये पक्का आएंगे, मुझे पता था। और भाई जब जोन आता है तो ये भाग के आते हैं और लपेट देते हैं मेरे को। तो देखो अब ब्लू जोन आना शुरू हो गया था, अब ये बंदे निकल के भागेंगे और मेरा तो ठीलेंगे। तो देखो अब ये बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, और दूसरा बंदा जो इसका दूसरा बंदा था वो भाग के मेरी तरफ आता है। अब यार ये तो यहाँ पे बच जाता है, पर ये क्या सोचता है कि यहाँ पे नेट करूँगा और इस बंदे को मार दूंगा नेट से, तो मैं इधर कूद जाता हूँ और भाई साइड से उसको मारता हूँ। ये बंदे लॉबी में निपट गए थे, और यहाँ पे अब एक दो बॉट थे, तो बॉट मारेंगे और यहाँ से साइड निकलेंगे क्योंकि जोन आ गया था, और जोन आ गया था और जोन में जाना था, और दूसरे बंदे को पुश भी करना था। तो देखो यार मज़ा आएगा बहुत, तो यहाँ से गाड़ी लेकर पहले निकलते हैं। अभी मैं गाड़ी लेके बंदों को ढूंढ रहा था कि बंदे हैं कहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ भाई स्टेडियम बंदे होंगे कि स्टेडियम पर हर बार बंदे आते हैं कभी, अब तो नहीं आते भाई, सारे पुशर्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कोई बंदा है कि नहीं, पर यहाँ पे कोई बंदा नहीं रहता, आवाज़ भी नहीं आती। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले गाड़ी पर घुमा लेता हूँ और फिर दूसरी साइड जाता हूँ, क्योंकि फुटस्टेप नहीं आ रहे थे, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, अब मैं सोचता हूँ सेंटर रोड वाले वहाँ पर जाएंगे, क्या बोलते हैं हिल पे, तो हिल पे मुझे मतलब एक दो शॉट आए थे वहाँ से, तो मैं हिल पे जाता हूँ। और हिल पे यार मतलब दो या तीन बंदे रहते हैं, तीन बंदे रहते टोटल, तो उनको भी भेजते रहोगे। आप देखो ये तीनों मतलब दूसरे स्क्वाड से फाइट ले रहे थे, जो कि वो सामने वो क्या बोलते हैं यार पता नहीं क्या, वो एरिया का नाम भी नहीं है, वो सामने जो दिख रहा है तो वहाँ पे फाइट ले रहे थे ये। तो ये तीनों निपट गए, अब मैं सोचता कि भाई यहाँ से गाड़ी लेंगे और जाएंगे वहाँ पे कि भाई उधर बंदे और हमें किल तो चाहिए ना यार, तो मैं वहाँ पे फिर गाड़ी लेके जाता हूँ और उनसे फाइट लेता हूँ। तो देखो यार मज़ा आएगा। और यहाँ पे रेड जोन आ चुका था, तो फट के हाथ में आ गई थी भाई, मतलब बहुत ज़्यादा मैं रेड जोन से मरा हूँ। तो मैं सोचता हूँ पहले यहाँ पे कवर लेते हैं, तो वो छोटा वाला टावर से चढ़ जाता हूँ मैं, और फिर मतलब उसके बाद उन बंदों पर रस करते हैं जो बंदे सामने वाले घरों में।
और मैं यहाँ से मतलब बंदे स्पॉट कर रहा था कि कोई दिखे तो एक आध को नॉक करके फिर उन पर रश करते हैं, तो उन पर दूसरे बंदे आ जाते हैं। तो मैं सोचता भाई अब थर्ड पार्टी करने का अच्छा मौका है, तो मैं सीधा वहाँ पे जाता हूँ और नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे एक बंदा दिख जाता है तो भेज देते लॉबी में उसको। भाई ये बंदा डेड था, और भी बंदे वहाँ पे थे, तो मैं थोड़ा मतलब घर के अंदर जाता हूँ भाई साइड से कोई मतलब आगे पीछे कोई ना मार दे, और मैं यहाँ से बंदे स्पॉट कर लेता हूँ कोई दिख जाए। तो बंदे तो रहते हैं यहाँ पे समथिंग, तीन बंदे रहते हैं, तो देखो अब मैं तो यहाँ पे नेट करता हूँ कि शायद नेट से डैमेज हो जाए, क्योंकि उधर बंद दो बंदे थे, तो मैं यहाँ पे नेट फेंकता हूँ। एक नेट से तो एक बंदा डैमेज होता है पर नॉक नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे एक और नेट फेंकता हूँ कि शायद वहीं पे ऊपर वहाँ से वो भाग जाता है। तो मैं सोचता फिर यहाँ से साइड निकलते हैं बाहर और उनसे तो फाइट लेते हैं, क्योंकि भाई चूल मची रहती है फाइट लेने के अंदर अंदर से। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए बंदा नेट फेंकने की कोशिश करता है तो निपटते मेरे हाथों। देखो अभी बंदे को नॉक करके मैं डायरेक्ट किल इसलिए करता हूँ भाई ये कवर में जाएगा, फिर वो बंदा उसको रिवाइव देगा और जोन भी आ गया तो बाद में प्रॉब्लम हो गया। अब ये बंदा घर में घुस के मतलब बैठ गया था, पता नहीं मतलब बाहर ही नहीं आ रहा था। अब भाई जब ये बाहर आता है मतलब ये तो यहाँ पे बच जाते हैं मेरे हाथों, पर भाई ठीलता है दूसरे बंदे के हाथ से ठीलेगा ये। तो देखो और एंजॉय करो मैच को यार। अब ये बंदे को मतलब एक दो गोली कनेक्ट होता है बाकी बच जाता है। अब यहाँ पे आता तो बंदा मुझे भी डैमेज देता है और मैं उसको भी डैमेज देता हूँ पर वो बच जाता है। तो देखो मैं यार बार बार एक कवर में जा रहा था और वो जोन में था, तो मैंने सोचा वो पक्का वहाँ से भाग जाएगा, मुझे पता था भाग जाएगा, और वो भाग जाता है। तो मैं सोचा भाग के तो जाएगा कहाँ, मेरे पास गाड़ी है और मैं गाड़ी लेके जोन में जाऊँगा। फिर मैं गाड़ी यहाँ से उठाता हूँ और सीधा जोन में जाता हूँ, ब्लू जोन में मतलब क्या बोलते हैं सेफ जोन में। और उसके बाद से मतलब दो बंदे ही बच गए थे, एक ये और एक और बंदा था, तो ये बंदा ठीक जाता है, दूसरा बंदा इसको मार देता क्योंकि मैंने इसको डैमेज किया था, जोन से डैमेज हुआ था, तो ये निपट जाता है उस बंदे के हाथ से, वो टॉमी से उसको मार देता है। अब भाई जो बारी थी मतलब आखिरी बंदे की, तो आप देखो यहाँ पे मुझे दिखता है और उसको भेजते हैं लॉबी में। अब यार मतलब अलग लेवल का स्टोरी हो रहा था 3x एंड M4 का, सेंसिटिव थोड़ी प्रॉब्लम में सेट कर लूँगा। तो यार ये गेम प्ले आपको कैसा लगा और हम जीत जाते और किल करके बाहर हो जाते, तो ये गेम प्ले आपको कैसा लगा हमें कमेंट में पक्का बताना, एंड मजा आया तो लाइक भी कर देना यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन उसको भी दे देना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और नए इंटरेस्टिंग गेम प्ले सीरीज में।